जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी और धीरे धीरे ये जीव पानी से बाहर की दुनिया में कदम रखने लगे। वो जो भी थे उन्हें अपने सामने एक रंगीन दुनिया दिखाई देने लगी। उनके खाने के लिए पौधे थे, रहने के लिए पेड़ पौधे और जंगल थे, और वो सब कुछ था जो उन्हें धरती की सतह पर रहने के लिए चाहिए होगा। ये धरती उनके लिए स्वर्ग थी। उन शुरुआती जीवों ने इस धरती पर लाखों और करोड़ों सालों तक राज किया होगा, और वह बड़े होते चले गए। फिर एक समय आया जब उनका इस दुनिया पर कब्जा हो चुका था। डायनासोर, वह दैत्यकार जीव जिन्होंने आगे चलकर इस धरती पर अपना राज कायम किया था, कुछ ऐसे जो उड़ सकते थे, और जब वह उड़ते तो उनके पंख करीब 10 मीटर तक फैल जाते थे। वह ऊपर से किसी को भी अपना निशाना बना लेते थे। धरती पर डायनासोर किसी इंसान जितने जीवों को देखते ही निगल जाते थे। कुछ डायनासोर थे जो शाकाहारी थे, लेकिन उनका आकार बाकी जानवरों से ज़्यादा बड़ा था। वो पेड़ों की टहनियाँ को खाया करते थे। इसके अलावा रेंगने वाली विशालकाय छिपकलीले भी चारों तरफ अपना आतंक मचाया हुआ था। और ऐसे में होमो सेपियंस को अगर इस धरती पर आना था तो ऐसे हालात में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और फिर धरती पर हमारे लिए अस्तित्व बनाने के लिए आता है आउटर स्पेस से एक उल्का पिंड। वह हमारी प्रजाति के लिए एक सुनहरा गिफ्ट था। वो उल्का पिंड आज के मेक्सिको की जगह पर टकराता है और पूरी धरती पर मानो तबाही सी मच जाती है। धरती पर मौजूद लगभग सभी बड़ी प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, और डायनासोर का भी यहीं पर पूरी तरह से अंत हो जाता है। और इसके बाद इस धरती पर आबाद करते हैं गर्म खून वाले जीव। शुरुआत होती है धरती पर मैमल्स की राज की। हालांकि ये प्रश्न भी विज्ञान के लिए काफी अहम है कि अगर वह उल्कापिंड धरती से न टकराया होता तो क्या आज डायनासोर जिंदा होते, और अगर वह जिंदा होते तो क्या इंसान जैसे जीव इस धरती पर इवॉल्व हो पाते। लेकिन हाल में ही एक रिसर्च के अनुसार दावा किया जा रहा है कि डायनासोर उल्कापिंड के टकराने से पहले ही खत्म हो गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिर इतनी बड़ी प्रजाति जो पूरी धरती पर राज किया करती थी वो आखिर पहले ही कैसे खत्म हो गई? आखिर वह क्या कारण रहे होंगे? इंसानों के धरती पर आने से पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि शिकार की वजह से कोई प्रजाति विलुप्त हो गई हो, या फिर किसी एक प्रजाति ने दूसरी प्रजाति को मारकर विलुप्त कर दिया हो। अगर ये उनकी मरने की वजह नहीं है तो डायनासोर के साथ असल में क्या हुआ होगा? माना गया है कि शायद उनके विलुप्त होने का कारण पर्याप्त भोजन का न मिल पाना रहा होगा, और ये भी दो वजहों से हो सकता है। पहला, वातावरण में आए बदलाव के कारण वह ऐसे वातावरण में रह रहे होंगे जो उनके जीवन यापन के लिए सही नहीं रहा होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि 6.5 करोड़ साल पहले जो उल्कापिंड धरती से टकराया होगा उसकी वजह से डायनासोर की बाकी जनसंख्या जो पहले से ही जीने के लिए स्ट्रगल कर रही थी वह उसी उल्कापिंड के चलते विलुप्त हो गए होंगे।